अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को हमेशा के लिए फंडिंग रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने WHO से कहा है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर वो अपने आप में कुछ सुधार लाए, नहीं तो फंडिंग रोकी जाएगी। बता दें कि अप्रैल मध्य में अमेरिका ने अस्थायी तौर पर फंडिंग रोक भी दी थी। अमेरिकी सरकार का आरोप था कि WHO चीन का करीबी है और कोरोना पर जानकारी छुपाने में चीन का मददगार है।